फ्रेंड्स, वेलकम टू SIA ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं अभिषेक राय। हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता के सर्वेइंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट वन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन। तो आप इसे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी 50 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा, 1/5000। ठीक, नेक्स्ट है 1/42000, एंड नेक्स्ट है 1/3 लाख। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर बाई 50 किलोमीटर, तो आप इसे 50 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें तो 50 × 10^5। यानी जितने भी स्केल है उसमें आप देख सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे, सबसे बड़ा स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर = 50 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबल एरर इन द सिंगल ऑब्जर्वेशन इज 0.04 एंड दैट ऑफ द मीन इज 0.01, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर। तो आपको बता दें कि सबसे पहले क्या होता है कि एरर्स इन मीन वैल्यू इज इक्वल टू ES, यानी स्टैंडर्ड एरर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अंडर रूट में। तो EM की वैल्यू दे रखा है 0.01 और ES की वैल्यू कितना दे रखा है 0.04। एन क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप पुट करेंगे तो N इज इक्वल टू 16। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू। अब थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाइड किस करते हैं। एरर्स एक्चुअली आर, एरर्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द सिस्टमेटिक एरर्स एंड सेकेंड इज द एक्सीडेंटल एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स आल्सो नोन एज द क्यूम्युलेटिव एरर्स, और जो एक्सीडेंटल एरर्स होते हैं उन्हें कंपनसेटिंग एरर्स भी बोलते हैं, और ये थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं। कंपनसेटिंग एरर होता क्या, जैसे सपोज करो एक 20 मीटर का चेन है, आपने उसे एक चेन मेजर किया, आप बाई मिस्टेक उसे 19.99 मीटर पढ़ लिया, नेक्स्ट मेजर किया आप उसे 20.1 पढ़ लिया, तो एक जगह कम हो गया आपका डायमेंशन, एक जगह ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, एक जगह माइनस में है एरर और एक जगह प्लस में है, तो ओवरऑल क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो इस तरह, और या इस एरर को हमें जज कर पाना भी मुश्किल होता है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू द एक्सीडेंटल एरर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यूम्युलेटिव एरर्स क्या होते हैं, जैसे करो 20 मीटर का चेन है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ए हो गया 20.1 मीटर, आपने एक चेन मेजर किया, नेक्स्ट दूसरा चेन मेजर किया, तो आपने 40 मीटर लेंथ मेजर किया ऑन पेपर, बट एक्चुअल में है क्या 40 से ज़्यादा। और इस तरह जितना भी लेंथ आप मेजर करते जाएंगे एक्यूमुलेट होकर बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह के एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। हो सकता है टेम्परेचर घटे तो चेन की लेंथ कम भी हो जाए, तो जो भी होगा वो क्या होगा, क्यूम्युलेटिव नेचर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे कंडक्टेड विथ ए व्यू टू प्रिपेयर द मैप ऑफ एन एरिया टू स्केल ऑफ 1:2000। इफ ए स्केल विथ ए लीस्ट काउंट इज ऑफ 0.1 mm इज यूज फॉर प्लॉटिंग, वट वुड बी द एक्यूरेसी इन द लेंथ मेजरमेंट्स इन द फील्ड। लिस्ट काउंट होता क्या है, मिनिमम डायमेंशन ऑन स्केल जिसे हम पढ़ सकते हैं, वो क्या होता है लिस्ट काउंट। अब जो स्केल दे रखा है 1 in 1000, मतलब यदि हम 1 सेंटीमीटर मैप पे लें तो 1000 सेंटीमीटर कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा। तो 0.1 mm यदि इसका लिस्ट काउंट है, इसका मतलब ऑन ग्राउंड वो क्या हो जाएगा, 0.1 × 1000। अब ये किस में आएगा, mm में, चूँकि आंसर दे रखा मीटर में, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स ऑब्जर्व वैल्यू इज। ऑप्शन ए ट्रू एरर। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, कोई भी डेटा हो उसकी दो वैल्यू हो सकती है, पहला ट्रू वैल्यू, नेक्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू एंड नेक्स्ट प्रोबेबल वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होता, कोई नहीं जानता, सिर्फ गॉड ही ट्रू वैल्यू जानते हैं किसी चीज़ के। मान लो कोई ट्रू वैल्यू है किसी डेटा का, आपने उसे ऑब्जर्व किया, मेजर किया तो कुछ वैल्यू मिला, तो ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे ट्रू एरर बोलते हैं। चूँकि हम ट्रू वैल्यू तो जानते ही नहीं, तो ट्रू एरर कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो हम जानते क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, हम जानते क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। जैसे कि मैं इस तरह बनाऊं, ये जो TE होता है यही क्या होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो हम मेजर करते हैं इसके आसपास होते हैं, चाहे इधर हो सकते हैं चाहे उधर। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं रेजिडुअल एरर। रेजिडुअल का मतलब ये होता है जिसे हटाया ना जा सके, रेसिड्यू के फॉर्म में वो रहेगा ही, इस तरह के एरर को हम बोलते हैं रेजिडुअल एरर्स।
तो इसका ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोडेटिक सर्वेइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। देखिए अर्थ क्या होता है, एक स्पेरॉयड सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस होता है। यदि हम प्लेन सर्वे करते हैं तो अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते। इफ़ वी कंसिडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, सच टाइप ऑफ अ सर्वे इज नोन एज द जियोडेटिक सर्वे। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर ड्यू टू द रेंजिंग इज। अच्छा, रेंजिंग की वजह से एरर क्या है, सपोज करिए आपको लाइन ए बी मेजर करना है लेकिन आप बाय मिस्टेक से कुछ इस तरह टेढ़ा मेजर कर लिए, तो लाइन ए सी का लेंथ ज़्यादा होगा कि ए बी का, ए सी का ज़्यादा होगा। इस तरह से आप जितना भी मेजरमेंट करते जाएंगे और आप बैड रेंजिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका क्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा। सच टाइप ऑफ एरर नोन एज द क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट्स क्या होते हैं। ऑफसेट क्या होता है, किसी रेफरेंस पॉइंट से, सपोज करो एक लाइन है ए बी और इस पे दो पॉइंट्स, एक ए एक बी, अब सी पॉइंट को लोकेट करना है तो आप यहाँ से कैसे लोकेट कर सकते हो, तो जो ए और बी है उससे किसी दूसरे पॉइंट को लोकेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हम ऑफसेट्स यूज करते हैं। ऑफसेट्स ऑब्लिक भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। तो पूछ रहे हैं ऑफसेट क्या है, तो शॉर्ट मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज फॉर द बेस लाइन मेजरमेंट्स। बेस लाइन होता क्या है, सपोज करिए आपका एक सर्वे एरिया है, आपका ए बी और ए बी सी डी क्या है, सर्वे स्टेशन है, और इन सर्वे स्टेशंस को मिलाने वाली लाइन को हम सर्वे लाइन बोलते हैं। अब हमारा जो सर्वे एरिया है ए बी सी डी, इस सर्वे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है लाइन ए सी, तो लाइन ए सी को हम बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। और ये बेस लाइन, अच्छा बेस लाइन क्या होता है ये तो हो गया। बेस लाइन को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, इनवर्ट टेप करते हैं। क्यों इनवर्ट टेप यूज करते हैं, कोई भी लाइन जनरली हम इनवर्ट टेप को प्रीफर करते हैं, इसलिए क्योंकि थर्मल कोफिशियंट इसका कम होता है। थर्मल कोफिशियंट कम होने की वजह से इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम आएगा, जिसके वजह से इसके लेंथ में इसके लेंथ में बढ़ोतरी या कमी बहुत ही नेग्लेजिबल होती है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी इसकी बहुत कम होती है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इनवर्ट टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इनवर्ट टेप इज मेड ऑफ एन एलॉय। इनवर्ट टेप क्या होता है, स्टील और निकल का बना होता है, स्टील प्लस निकल का बना होता है, निकल का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लिंक्स इन ए 30 मीटर चेन। एक, अच्छा, जो भी चेन होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स होते हैं और हर एक मीटर पे क्या होता है, रिंग्स बना होता है, और हर पाँच मीटर पे क्या बना होता है, टैली बना होता है। तो हर एक लिंक की जो डायमेंशन होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। तो 30 मीटर चैन को यदि हम सेंटीमीटर में लिखें तो 30 इंटू 100 लिख लें, क्योंकि एक लिंक होता है 20 सेंटीमीटर का, तो 20 से डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा कितना, 150 लिंक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि 20 मीटर चैन हो तो कितने लिंक्स होंगे, 100 लिंक्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। रेंजिंग होता क्या है, सपोज करिए दो पॉइंट्स हैं ए बी, अब ए बी बहुत दूर है, इनके बीच में हमें एक लाइन को अलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सेगमेंट पार्ट में अलाइन करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे। ए और बी क्या है, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनके बीच हमें लाइन को अलाइन करना है। तो रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द चेन इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज यूज इन सर्वेइंग बिकॉज। सर्वे वर्क कैन बी कम्प्लीट क्विकली, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स इज प्रिवेंटेड। क्यों, यदि आप होल टू पार्ट करोगे तो सर्वे के दो प्रिंसिपल होते हैं, पहला सर्वे फ्रॉम होल टू पार्ट, नेक्स्ट लोकेटिंग एनी पॉइंट विथ रेफरेंस टू अनदर पॉइंट्स, लोकेटिंग एनी पॉइंट विथ रेफरेंस ऑफ टू अनदर पॉइंट्स, ठीक। तो होल टू पार्ट में क्या होता है, जो भी एरर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ सर्वे टोटल एरर्स हमारे पास कम होंगी, तो इस वजह से होल टू पार्ट को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं फिगर 2.1 शोज वन ऑफ द ब्रास टैलीज ऑफ 30 मीटर चेन, डिस्टेंस ऑफ दिस टैली फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द चेन। मैंने बताया था किसी भी चेन में हर एक मीटर पर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिंग्स इस तरह से, और ये चेन्स होते हैं, ये लिंक होती हैं। तो हर एक वन मीटर पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिंग्स, और हर पाँच मीटर पे क्या प्रोवाइड करते हैं, टैली प्रोवाइड करते हैं,
टैली प्रोवाइड करते हैं इस तरह। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि पहले 5 मीटर पे जो हम टैली प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह, नेक्स्ट 5 मीटर पे जो प्रोवाइड करते हैं उसमें सिंगल ग्रू होता है इस तरह, और जो नेक्स्ट 5 मीटर प्रोवाइड करते हैं उसमें डबल ग्रू होता है। यानी पहले 5 मीटर पे ऐसा, नेक्स्ट 5 मीटर पे इस तरह से सिंगल ग्रू, यानी ये स्टार्टिंग से 10 मीटर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द चैनिंग एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द पार्टी हैज 4 एरो इन हैंड वाइल द फॉलोअर हैज 6, डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सपोज करिए एक लाइन है ए, यहाँ पे फॉलोअर है और यहाँ पे लीडर है, एक चैन लेंथ मेजर किया। लीडर यहाँ पे क्या करता है, एक एरो गार्ड देता है। अब लीडर आगे बढ़ जाता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पे एक एरो गार्ड देता है, तो फॉलोअर यहाँ पे होगा, फॉलोअर क्या करेगा इस एरो को अपने हाथ में ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी फॉलोअर के हाथ में एरो होगा इसका मतलब उतना चेन लेंथ है मेजर कर पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉलोअर के पास 6 एरो हैं, इसका मतलब ये 6 चेन लेंथ मेजर कर चुके हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ, मेटेलिक टेप क्या होते हैं, क्लोथ एंड वायर्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए वेल कंडीशन ट्रैंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। सबसे पहली चीज, वेल कंडीशन ट्रैंगल होता क्या है, मतलब ऐसा ट्रैंगल जिसमें एरर्स इन एंगुलर मेजरमेंट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी एरर्स आर मिनिमम एरर्स ऑन द लेंथ ऑफ ट्रैंगल। मीन्स जैसे एक ट्रैंगल है, इसके एंगल्स ए हैं, ए हैं, ए हैं, तो इनके एंगुलर मेजरमेंट्स में कुछ एरर होंगे, लेकिन वो एरर इस ट्रैंगल के लेंथ पे ज़्यादा इफेक्ट ना डालें या मिनिमम इफेक्ट डालें, तो इस तरह के ट्रैंगल को बोलते हैं वेल कंडीशन ट्रैंगल। जनरली ये आइसोसेलिस ट्रैंगल होता है जिसकी वैल्यू होता है 56 डिग्री 14 मिनट, लेकिन क्या होता है ऑन एवरेज हम इसे 60 डिग्री ले लेते हैं, और किसी भी कंडीशन में वेल कंडीशन ट्रैंगल के केस में एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ऑप्शन इज द बी इज द करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 2.2 शोज द एंट्रीज इन द फील्ड बुक फॉर ए चेन लाइन ए बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द चेन लाइन एंड रेलवे लाइन। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए ये रेलवे लाइन जो है क्रॉस क्रॉस करके, इसका ए और बी क्या है, चेन लाइन। तो जो ए बी है चेन लाइन, ये जहाँ से रेलवे पास कर रही है वो कितने पे है, 13 मीटर पे, और यहाँ पे क्या है 10 मीटर, तो 10 से 13 में डिफरेंस कितना हो गया 3 मीटर, और इसका है रेफरेंस पॉइंट यहाँ से 3 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये एंगल कितना बनाएगा, रेलवे ट्रैक जो है, ये रेलवे ट्रैक है आपका ये, ठीक, और ये क्या है चेन लाइन जो वर्टिकल है, तो ये डिग्री जो होगी कितना हो जाएगा 3/3 = tan थीटा, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री T1 एंड T2 शोन इन द फिगर। आइए देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ट्री T1 यहाँ पे, ट्री T2, ट्री वन यहाँ पे, T2 यहाँ पे, तो T1 डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर पे है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, और T2 ट्री जो है 9 मीटर पे है ए बी के लॉन्ग, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर है। तो हम ये देखें T1 और T2 में वर्टिकली डिफरेंस जो है वो 4 मीटर का है, क्योंकि ये 5 मीटर पे 9, यानी 4 मीटर का डिफरेंस, और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी 3 मीटर, क्यों, T1 2 मीटर पे और T2 कितने पे 5 मीटर पे, तो इनके बीच जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 5 मीटर, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट कैन बी फिक्स्ड मोर एक्यूरेट बाई क्रॉस स्टॉप ऑप्टिकल स्क्वायर ऑब्लिक ऑफसेट्स परपेंडिकुलर स्टॉप्स। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, क्रॉस स्टॉप्स एंड ऑप्टिकल स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब जो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का लोकेट करना हो किसी रेफरेंस पॉइंट से, तो उसके लिए हम ऑफसेट्स यूज करते हैं, जनरली ऑब्लिक ऑफसेट्स और परपेंडिकुलर ऑफसेट्स दोनों यूज करते हैं, बट परपेंडिकुलर ऑफसेट इज द मोर एक्यूरेट देन द ऑब्लिक ऑफसेट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन क्या होता है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू टेक द डिटेल्स ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अब टाई लाइन होता क्या है, जैसे अभी हमने बताया था एक सर्वे एरिया, सपोज करो इस तरह से ए आपका ए है, ए है ए, ए बी सी डी क्या है, सर्वे स्टेशंस है। अब सर्वे स्टेशंस को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्वे लाइन। सर्वे लाइन क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। अब जो आपका सर्वे एरिया है वो क्या है, ए बी सी डी। इस सर्वे एरिया को दो बराबर पार्ट में बांटने वाली लाइन को हम बोलते हैं बेस लाइन। सपोज करो आपकी बेस लाइन क्या है, ए सी। जो सर्वे लाइंस हैं ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, सर्वे लाइन पे कोई दूसरा स्टेशंस लेने उन्हें बोलते हैं टाई स्टेशन। सपोज करो हमने एक स्टेशन ले लिया एक्स एंड दूसरा स्टेशन ले लिया वाई, एक्स और वाई क्या है, टाई स्टेशंस। और टाई स्टेशंस को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं टाई लाइन। टाई लाइन का मेन पर्पज यही होता है किसी नेचुरल चीज़ का, किसी ट्री का, किसी रिवर के फीचर्स को लोकेट करना, उसके बारे में बताना। तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्टेकल टू द चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। मतलब कह रहे हैं कि चेनिंग हम नहीं कर पाए बट उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आप रिवर है, रिवर की एक साइड में खड़ा हो जाए तो दूसरे बैंक की तरफ देख सकते हैं, यानी आपको विजिबल तो है, रेंजिंग तो है, बट चेनिंग नहीं कर सकते। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू, बिल्डिंग क्या है, कोई बिल्डिंग है तो ना तो आप तो चेनिंग कर पाओगे ना देख ही पाओगे, एंड चेनिंग और रेंजिंग दोनों में प्रॉब्लम्स आ गए, यानी बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर। देखिए प्रिज स्क्वायर क्या होता है, ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें काम करने में आसानी होती है और ज़्यादा मोर एक्यूरेट होता है। और ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर दोनों जो होते हैं राइट एंगल के लिए यूज करते हैं, राइट एंगल सेटअप के लिए यूज करते हैं। तो यानी जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा कि ऑप्टिकल स्क्वायर इज द बेटर होता है, ऑप्शन सी, दैट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द प्रिज्म स्क्वायर सिंस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कैन नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। देखिए जो ऑप्टिकल स्क्वायर्स होता है वो राइट एंगल सेटअप के लिए होता है, इसमें दो मिरर्स होते हैं, वो दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। ऑनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।